हाय दोस्तों, मैं हूं कासिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 44 छोटे लेकिन अहम उर्दू से इंग्लिश फिकरात। दोस्तों, बज़ाहिर ये सेंटेंसेस छोटे हैं लेकिन हर सेंटेंस अपने आप में एक मुकम्मल मायने रखता है, एक मैसेज कन्वे करता है। ये लेसन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, यानी जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। दोस्तों, इस लेसन के साथ साथ आप हमारे चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस की पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस पर वक्त मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं 44 शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, या आप इसे गेट आउट भी कह सकते हैं, गेट आउट। खामोश रहो, खामोश रहो, अपनी ज़ुबान बंद रखो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है खामोश होना, मुंह बंद रखना। हरकत मत करो, हिलो मत, डोंट मूव। दोस्तों, आपने याद रखना है कि डोंट शॉर्ट फॉर्म होती है डू नॉट की। डू नॉट का मतलब क्या है कि नहीं करो। आप जब किसी को कोई काम करने के लिए, किसी बात के लिए मना करें तो आपने कहना है डू नॉट। डू नॉट का मतलब होता है किसी बात से मना करना, तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। डोंट मूव, हरकत मत करो, हिलो मत। उतर जाओ, आप किसी गाड़ी से किसी को उतारना चाह रहे हैं तो आप उसे कहेंगे गेट ऑफ, गेट ऑफ। अंदर आ जाओ, अंदर आने के लिए आप कहेंगे गेट इन, गेट इन। यहाँ इंतज़ार करो, यहाँ इंतज़ार करो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे वेट हेयर, वेट हेयर। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ को हम इंग्लिश में दो तरीक़ों से कह सकते हैं, बी रेडी, बी रेडी, या गेट रेडी, गेट रेडी। बोलो, बोलो को हम कहेंगे स्पीक आउट, स्पीक आउट। सामने देखो, लुक अहेड, लुक अहेड। अहेड का मतलब होता है सामने। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, गाड़ी आहिस्ता चलाओ, ड्राइव स्लोली, ड्राइव स्लोली। ड्राइव का मतलब होता है चलाना स्लोली, आहिस्ता से। बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। इधर देखो, लुक हेयर, लुक हेयर। उसका नाम पूछो, उसका नाम पूछो, आस्क हिज, या हर नेम। आस्क हिज नेम आप यूज़ करेंगे अगर आप लड़के का नाम पूछना चाह रहे हैं। हिज का मतलब क्या है, उसका, और हिज को हम यूज़ करते हैं लड़के के लिए। और अगर आप लड़की का नाम पूछना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे आस्क हर नेम। हर को हम यूज़ करते हैं लड़की के लिए। इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट। फौरन जाओ, फौरन जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस। एट वंस का मतलब होता है फौरन, फौरी तौर पर। अच्छी तरह साफ करो, अच्छी तरह साफ करो, क्लीन प्रॉपरली, क्लीन प्रॉपरली। प्रॉपरली क्या होता है, अच्छी तरह से, सही तरीके से। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, गो स्लोली, या आप कह सकते हैं वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। आगे बढ़ें, शुरू करें। इन दोनों सेंटेंसेस को आप एक ही तरीके से कह सकते हैं, गो अहेड, गो अहेड। इधर आओ, इधर आओ, कम हियर, कम हियर। ये लो, ये लो, टेक इट। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, गो अप। सीढ़ियों से ऊपर जाओ, सीढ़ियों से ऊपर जाओ,
गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों से ऊपर जाना। सीढ़ियों से नीचे आओ, सीढ़ियों से नीचे आओ। गो डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे आना। सीधे जाओ, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। अपना काम करो, अपना काम करो। माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस अपना काम करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कम ऑन। मोहतात रहो, मोहतात रहो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। सब्र करो, हौसला रखो। बी पेशेंट, बी पेशेंट। दोस्तों आपने यहाँ पे ये जो पेशेंट यूज़ हो रहा है इसको वो वाला पेशेंट जो मरीज़ होता है उसकी मीनिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। बी पेशेंट का मतलब होता है हौसला रखो, सब्र करो। हौसला रखो या सब्र करो को आप एक और तरीके से भी कह सकते हैं जो कि है हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। वापस जाओ, वापस जाओ। गो बैक, गो बैक। मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो। डोंट टीज मी, या आप कह सकते हैं डोंट ट्रबल मी। मत भूलो, मत भूलो। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। पास आओ, पास आओ। कम नियर, कम नियर। मत जाओ, मत जाओ। डोंट गो, डोंट गो। नीचे जाओ, नीचे जाओ। गो डाउन, गो डाउन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। लेट मी सी। दोस्तों यहाँ पे लेट का यूज़ हो रहा है तो आपको लेट का यूज़ बता दूँ कि जब भी कोई ऐसी बात जिसमें आए कि मुझे करने दो, मुझे जाने दो, मुझे रहने दो, मुझे खाने दो, यानी जिसमें इजाज़त की बात हो रही हो तो आपने वहाँ पे लेट का यूज़ करना है। लेट को हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई काम करने के लिए, कुछ कहने के लिए इजाज़त लेते हैं तो हम लेट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लेट का यूज़ हो रहा है, मुझे देखने दो, यहाँ पे इजाज़त ली जा रही है तो हम लेट का यूज़ करेंगे। लेट मी सी, तो यहाँ पे इजाज़त की बात हो रही है, मुझे देखने दो, तो हम यहाँ पे लेट का यूज़ कर रहे हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, लेट मी गो। यहाँ पे भी लेट का यूज़ हो रहा है और इजाज़त मांगी जा रही है। जल्दी आना, जल्दी आना। कम सून। उसे जाने दो, उसे जाने दो। इस सेंटेंस को हम दो तरीकों से कह सकते हैं, लेट हिम पास या लेट हिम गो। ख्याल रखना, ख्याल रखना। टेक केयर, टेक केयर। सुनो तो, सुनो तो। जस्ट लिसन। मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मूव अहेड, मूव अहेड। यहाँ रुको, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, स्टॉप हियर।
ऑलराइट एवरीवन, दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन जिसमें आपने सीखे 44 शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत से नए सेंटेंसेस सीखे होंगे और बहुत सी वोकैबुलरी भी सीखी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।